यंग मैन बन गए हैं आप। हाँ, और कार्तिक के एंग्री यंग मैन बनने से पहले नायरा एक बहुत ही इंटेंस थॉट में है। नायरा, क्या हुआ इससे? मैं इससे जस्ट पहले कार्तिक की मॉम जो है स्वर्णा, उनसे मिलके आती हूँ। वो मुझे सब बताती हैं और वो मुझे बोलती हैं कि उनके बेटे को उनकी फैमिली से दूर जाने से रोक लो, हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कार्तिक इतनी नफरत करता है कि उसे उस नफरत में कहीं ना कहीं हमारा प्यार दिखाई नहीं देता। तो तुम ही एक हो जो उसे समझा सकती है, जिसकी वो अभी बात सुनता है। तो तुम प्लीज़ कोशिश का गुलाम है। तुम एक बार प्लीज़ कोशिश करके देखो। वो एग्जांपल भी देती है कि तुम ही मेरे कृष्णा की राधा हो। तो जैसे कृष्ण को राधा हर चीज़ मनवा लेती थी उनसे और उनको समझाती थी, वैसे जो स्वर्णा है मुझे भी बोलती हैं कार्तिक को बातें समझाने के लिए, चीज़ें समझाने के लिए। तो फिर हम लोग उसके बाद यहाँ ऑफिस में मिलते हैं, तो मैं डायरेक्टली तो कार्तिक से बोल नहीं पाती, तो लाइक एज एनी गर्ल वुड डू, वो चुप रहती है और वो कुछ बात नहीं करती। तो कार्तिक बार बार उनके पास जाते हैं कि भाई क्या हो गया, क्यों परेशान सी ऐसे खड़ी है, और कार्तिक को उसे परेशान देख के परेशानी हो रही है। तो कार्तिक मेरे पास आके पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो। तो मैं वो इनडायरेक्टली बात शुरू करती हूँ, और शुरू करते करते कि भाई है, फैमिली है, फैमिली साथ होती है तो यू नो सब अच्छा हो जाता है, सब फैमिली आपकी स्ट्रेंथ होती है। बोलते बोलते एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ मैं बोल देती हूँ कि तुम्हारी फैमिली और कार्तिक। And then that angry young man, and then that comes up, and obviously जो पूरा किस्सा है वो बहुत बहुत इंटेंस है। जो पहले हुआ था बचपन में, जो फ्लैशबैक्स दिखाए जाएंगे कि जैसे उनकी मॉम की कैसे डेथ हुई और कैसे उन चीज़ों का उन पर असर हुआ है, तो वो बहुत ही एक इंटेंस मोमेंट है। वाई हेट्स हिज फादर, वाई हेट्स स्वर्णा, वाई हेट्स दैट फैमिली, एंड वो पूरी बात जब जितने बार भी आएगी तो ऑब्वियसली वो एक इंटेंसिटी, वो चेंज ओवर हो जाएगा। और जब अभी होता है तो वो कहीं सोल्यूशन नहीं निकलता और वो सारी बातें आधी रह जाती है, अधूरी रह जाती है, और कार्तिक वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। और फिर फिर आप दिख रही है ये रिश्ता क्या है। अच्छा, इन सभी में नायरा कहीं ना कहीं शादी से पहले फंस गई है एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वो फैमिली का साथ दे, अपने लाइक अपने प्यार का। बिल्कुल, क्योंकि हमारी फैमिली में मुझे हमेशा से यही सीख मिली है कि फैमिली अगर साथ होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। फैमिली आपकी स्ट्रेंथ होती है। जो मेरी मॉम थी, मॉम भी मुझे यही चीज़ बताती थी, हमेशा समझाती थी कि फैमिली को बांध के रखना बेटा, फैमिली को हमेशा साथ रखना। और मैंने खुद ने इतने साल फैमिली से दूर रह के जो यू नो फालतू में उनसे नफरत करके, सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो इतने साल उनसे दूर रही, उनके बिना रही, ऐसे अकेले रही, फिर वापस यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने कितना कुछ मिस कर दिया है। तो मैं कहीं ना कहीं ये भी नहीं चाहती कि कार्तिक भी अपनी फैमिली से दूर रहे, और कार्तिक की फैमिली कार्तिक से बहुत प्यार करती है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि सब लोग साथ में रहे, पूरी फैमिली हम सब साथ रहे, शादी के बाद जॉइंट फैमिली, एक पूरी जॉइंट फैमिली की तरह रहे, ना कि मैं और कार्तिक अलग रहें। तो ऑब्वियसली फंसी हुई हूँ क्योंकि जहाँ स्वर्णा है वो मुझे ये चीज़ बोल रही है कि प्लीज़ हमारे बेटे को दूर जाने से रोक लो, जहाँ कार्तिक है मेरा प्यार जो है वो मुझे बोल रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहता, हम अलग रहेंगे, जहाँ मेरी फैमिली की बात है वो खुद चाहते हैं कि हम सब एक फैमिली की तरह साथ में रहें। तो अभी नायरा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, उसकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही मतलब वो बहुत ही कन्फ्यूजन स्टेट पर है, बहुत ही उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी उसे करना क्या। लास्ट क्वेश्चन, आपने बाकी घर वालों की तो बात टाल ही दी है, आप उनके बात नहीं सुन रहे, क्या आप अपने प्यार की बात सुन के अपने फैमिली के साथ रहने के लिए रेडी हो जाएंगे? कहीं ना कहीं ऑब्वियसली क्योंकि नायरा कह रही है तो वो पेन में भी है, नॉट जस्ट एंगर, वो ऑलमोस्ट ही क्राइज, ही क्लीन्स हिज टीयर्स, क्लीन्स हिज आईज एंड ही वॉक्स अवे। तो देयर इज ऑब्वियसली एक पेन है क्योंकि बिकॉज समवेयर दादी और नायरा की सेम प्रायोरिटी है, तो नायरा वुड बी हिज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ऐसे कोई इंसान की कोई भी बात आप इतनी जल्दी नहीं डाल सकते, तो समवे ऑब्वियसली उसे छोड़ दिया है आधे में और वो चला जाता है, सो वी कीप गेसिंग।